पुण्य पाप से परे चिता से उठ दिया। दोस्तों अब किंग खान को कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, राजा मौली सर कहते हैं कि धूम 4 मूवी के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और लोकेश नागराज बहुत ही बेहतरीन शानदार डायरेक्टर हैं और उन्होंने आज से पहले जो भी मूवी बनाई है वह बॉक्स ऑफिस पे अच्छी कमाई की है और इस बार लोकेश नागराज धूम 4 में शाहरुख खान को बड़ी एक्शन में दिखाने वाले हैं और इसको देखने के बाद पब्लिक भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है और मुझे पूरा भरोसा है कि जवान और पठान के सफलता के बाद लोकेश नागराज के धूम 4 मूवी बहुत ही अच्छा रिस्पांस देने वाली है क्योंकि शाहरुख खान के फैंस जो है वो शाहरुख खान को एक्शन अवतार में देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है और किंग खान के ऊपर एक्शन मूवी बहुत ही ज्यादा सूट करती है और शाहरुख खान इंडिया के ही नहीं बल्कि देश विदेशों का भी बड़े स्टार हैं। उन्होंने 1 ईयर के अंदर 3,600 करोड़ रुपए कमाकर बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बना डाला है। यहाँ तक कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं जो कि आज के पहले किसी भी एक्टर ने नहीं बनाया था। वहीं बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक शाहरुख खान का डंका बजता है और ये चीज शाहरुख खान से अच्छा कोई भी नहीं कर सकता था। और जानकारी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि राजा मौली का कहना यह है कि शाहरुख खान के फिल्म को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और अब जो आ रहा है एक्शन मूवी धूम 4 उसे भी उनके फैंस लोग बहुत ही ज्यादा प्यार और सपोर्ट करेंगे और बहुत जल्द ही आप लोग के बीच इस फिल्म को टीजर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग इस पे क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों आप लोग भी किंग खान को दिल से सपोर्ट करते हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले।